बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी आपको पता होगा 2014 के अंदर पाकिस्तान और ईरान ने दोनों ने मिलकर एक गैस पाइपलाइन का एक इफ्तिताह किया था, एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। तो अभी ये है कि वो एग्रीमेंट 2024 हो गया, लेकिन पाकिस्तान ईरान ने तो अपनी तरफ से पूरा गैस लाइन पाइप बिछा लिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं बिछा पा रहा क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका के। क्या कहना चाहेंगे कि हम अपने फैसले खुद करते हैं या अमेरिका करवाता है? दूसरी तरफ इंडिया पर कुछ सैंक्शन लगते हैं तो वो तो दस्ती छूट जाते हैं, इंडिया सब कुछ करता है जो सैंक्शन के बगैर भी। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, ओवरऑल पूरी उम्मत मुसलमान जो है ना, वो अपने फैसले जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी मर्जी से वो नहीं कर पा रही जैसा कि माजी में होता था। तो हम जो कमज़ोर मुल्क हैं, जो कर्जे तले दबे हुए हैं, जिन्होंने हर साल IMF से कर्जे लेने हैं, जो खालिस्तान अमेरिका का इदारा है, तो हम कैसे जो है ना वो अमेरिका की इन्फ्लुएंस के बगैर या अमेरिका की कंसेंट के बगैर हम किस तरीके से जो है ना वो फैसले कर सकते हैं? वो चाहेगा तो गैस पाइपलाइन जो है ना, जब उसकी इंटरेस्ट होगी तो गैस पाइपलाइन जो है ना वो पाकिस्तान भी बिछा देगा। अभी ईरान ने ये कहा है, ईरान ने आखिरी वार्निंग दी है, अगर भाई तुमने ये किया तो ठीक है, नहीं किया तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा, आपको 18 अरब रुपए देने पड़ेंगे। $18 बिलियन कहाँ से देंगे? हालात इतने खराब है, हमारी बस पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो ये होनी चाहिए थी। जाहिर है वो एग्रीमेंट कोई ना कोई मौजूद होगा, जो वो कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा, तो वो एग्रीमेंट 2019 में रिन्यू किया था हमने एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट के लिहाज से वो सच्चा ही है ना। सही बात, वो जो कोर्ट होगी तो फैक्ट्स भी अगर डिसाइड करेगी तो एग्रीमेंट के रूल से अगर वो करेगी, इंटरनेशनल कोर्ट्स जो भी है, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स होती हैं जिसमें ये फैसले जाते हैं, तो डेफिनेट वो उसने तो वो एग्रीमेंट को देखते हुए, जैसे रिकॉर्डिंग का हुआ था, हमारे एंटी हुआ था, वो भी उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा यानी पैसे हम पे जो है वो फाइन हुआ था, तो इसी तरह ये भी कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेट हमें वो यानी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और $18 बिलियन इस टाइम कहाँ से देगा? नहीं, हम देख नहीं, लेकिन उसके फिर कई तरीके हैं, बुधार है हमारा, हमसे लेगा तो नहीं ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उसको हम तो यही तो कहते आ रहे हैं कि भाई ब्रदर इस्लामी मुल्क के जो पैसे लेने हैं वो जो हम करते हैं, लेकिन ईरान कह रहा मेरी बस हो चुकी है, अब आप लोग ईरान जो है ना वो भी उस पर भी सैंक्शन है ना, हाँ जी उस पर भी पाबंदियाँ हैं, वो खुद अपना जो है ना वो इकोनॉमिकली इतना मजबूत नहीं है, उस पर ज़ाहिर उसने एक इन्वेस्टमेंट की है, इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं उसने गैस पाइपलाइन, उसके पास एक मनसूबा था कि ये गैस हमसे लेंगे तो उसके बस हमें ज़ाहिर हर महीने या साल में पे करेंगे, उससे हमारी इकानमी को थोड़ा सा सहारा मिलेगा, को व्हील उनका चलेगा। अब वो इतनी जो उनकी लागत आई है वो भी डंप हो गई और आगे उनकी वो गैस भी सेल नहीं हो रही, तो वो पैसे ज़ाहिर जो भी को बिजनेस ही है ना, वो मुल्क की सतह पे बिजनेस है, जैसे हम इंडिविजुअल करते हैं बिजनेस, तो उसने मुल्क के साथ बिजनेस किया तो वो बिजनेस जो है ना वो ठप हो गया, तो ज़ाहिर है वो उसको नुकसान ही है। सर क्या इंडिया पे सैंक्शन नहीं लग सकते? क्या इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगते? आप यहाँ पर जी देखें भाई, मेरे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, उसकी इतनी बड़ी आबादी है, लोगों के इंटरेस्ट हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनीज जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो तमाम लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके हालात आप हमारे साथ कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना, वो किसी उसको किसी हमसाये से कोई डर तो नहीं है ना, तो पूरी दुनिया की इतनी बड़ी आबादी है, उसको फीड करना है, उसकी नेसेसिटीज़ हैं, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो अकेला इंडिया तो नहीं पूरा कर रहा। आजकल तो ज़रूरत भाई ये है कि इकोनॉमिकली इकोनॉमी मार्केट है, जिसकी जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे सेल होता है, बेचता है, पैसा कमाता है, तो इंडिया पे सैंक्शंस क्यों लगाएंगे वो? सर अभी रशिया के साथ कुछ टाइम पहले की बात है, इंडिया ने अमेरिका ने मना किया कि भाई आपने जो है कि वो नहीं जाना, रशिया के पास नहीं जाना, उनसे असला नहीं लेना, ऑयल नहीं खरीदना। इंडिया ने कहा भाई तुम होते कौन हो, हम एक आज़ाद पॉलिसी है, हमारे आज़ाद मुल्क हैं, और मजबूरन अमेरिका को कहना पड़ा कि भाई ठीक है ले लो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।